गोड्डा में जीपीएल 7 क्रिकेट मैच की तैयारी पूरी हो गई है। पूरा गांधी मैदान दूधिया रोशनी से नहाया हुआ है। जीपीएल को लेकर खिलाड़ियों और आयोजकों में इस बार काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार इस बार क्रिकेट के मैदान को तैयार किया गया है, इससे खिलाड़ी तो उत्साहित हैं ही, साथ में आयोजक भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। कल से शुरू होने वाले जीपीएल 7 में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। बता दें कि इस बार मैदान की तैयारी देखकर आम लोग भी काफी खुश हैं और डे नाइट मैच के लिए गांधी मैदान में हाई पावर लाइट भी लगाए गए हैं, जिससे गांधी मैदान और भी अच्छा दिख रहा है। आपको बता दें, इस बार कोरोना को लेकर सभी खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट कराया गया, साथ ही कोविड के सारे प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया है। आपको बता दें, कल उद्घाटन मैच SRK म्यूजिक और सुपर 11 के बीच खेला जाएगा। ग्राउंड को सजाया गया है बेहतर तरीके से, और हमको लगता है कि इस बार पहले से जितना भी जीपीएल हुआ उससे ज़्यादा बढ़िया इस बार हम लोग व्यवस्था किए हैं और काफ़ी बढ़िया मैच होगा। कल किसका मैच? कल उद्घाटन मैच है SRK म्यूजिक और सुपर 11। कोरोना को देखते हुए खिलाड़ी लोग को कितना क्या कर रहे हैं? कोरोना के जो भी गाइडलाइन है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। सभी खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट आज कराया गया और कोविड टेस्ट के बाद ही खेलने का जो है मौका मिलेगा उन लोग को। इसके अलावा हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे। नहीं, इस बार अच्छे खेल का प्रदर्शन होगा और अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि टोटल खिलाड़ी हमारे जिले के ही, चाहे वो मेहरमा से पोड़िया हाट तक हो, टोटल खिलाड़ी हमारे जिले के ही हैं। और ये बहुत गर्व की बात है कि सभी खिलाड़ी हमारे जिले के, ऐसा कहीं नहीं होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, आप देखेंगे धनबाद होता है, देवघर होता है, पाकुड़ होता है, तो वहाँ बाहर से खिलाड़ी आते हैं, वहाँ बाहर से खिलाड़ियों को हायर किया जाता है, लेकिन गोड्डा ऐसा नहीं है, यहाँ टोटल गोड्डा के खिलाड़ी खेले। नगर परिषद के तरफ से क्या क्या रखा गया? नगर परिषद के तरफ से ऐसा नहीं है क्या क्या रखा गया है, नगर परिषद मॉरल सपोर्ट कर रही है, जैसे ग्राउंड को साफ करना, इसकी साफ सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था, हर एक चीज नगर परिषद की है। नगर परिषद का जहां तक कार्य है, जहां तक दायित्व है, वो अपना निभा।